जननायक जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सरदार निशांत सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह ने शुरुआत करी थी। और मैं मानता हूँ एक एक जिले के अंदर पार्टी के तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कड़ी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। हर एक टारगेट है कि प्रदेश के हर घर तक जाकर पार्टी संगठन के विस्तार के अंदर कार्य करें। वैसे जो राइस मिल की जो वेरिफिकेशन हो रही है उसको लेकर काफी विवाद चल रहा है। बैसिंग चौटाला ने रेक्टिफाई कर दूं, तमाम पत्रकार साथी, अखबार भी पढ़ रहा था, टीवी में भी चल रहा था कि तीसरी वेरिफिकेशन नहीं है। एक प्राइमरी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई गई थी जिसके अंदर स्टॉक के मेजरमेंट ली गई, और अब वेरिफिकेशन सारे सेलर एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करके प्रदेश में दोबारा इसलिए चलाई गई है क्योंकि जो पिछली बार वेरिफिकेशन थी जब 64 लाख का आंकड़ा हमने नहीं छुआ, आज आंकड़ा हमने छुआ, और क्योंकि वो गवर्नमेंट का स्टॉक तमाम मिलर्स के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसकी वेरिफिकेशन सरकार जब मर्जी चाहे, सरकार भी कस्टोडियन इस्तेमाल किया करा सकती है, और इसके लिए रैंडमली बोलसन जी थोड़ा फोन पे चक रही हूँ, तमाम 13 जिलों के 1301 राइस उनको समय देकर कि अगर आपके स्टॉक में कोई ऊपर नीचे, कहीं आपने अलग गोदामों में अपना स्टॉक रखा तो उसको एक जगह विशेषों आगे ले जाकर प्रोसेस चल रही है। प्राइमरी रिपोर्ट में 3 जिले ऐसे थे जहाँ 1-2 सेलर थे, उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। मैं ये मानता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट ये प्रयास ये कहीं ना कहीं अगर कोई कमियाँ खामियाँ उसका भी पूरा दौरा सरकार